सो हेलो एवरी वन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव विवेक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। एंड लास्ट वीडियो पे आप लोगों ने इतना अच्छे जो प्यार और सपोर्ट देखा है उसके लिए थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो भी उतना ही अच्छा पसंद आए। और अगर आप इस चैनल पर आए तो चैनल के सपोर्ट और हमारे मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। एक नया मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को एक वीडियो बनाने का, पोस्ट करने का यूट्यूब के ऊपर या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप कमेंट करते हो और लाइक करते हो वीडियोस को। दैन सो रिसेंटली वी हैव कम्प्लीटेड आर ट्रिप टूवर्ड्स नागरा एंड आज हम उसका एक एक्सपेंडिचर आपको बताएंगे, बिकॉज काफ़ी लोग हैं जो पर्सनली भी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में वो बता रहे हैं कि आप विजिट करके आओ तो क्या एक्सपेंस है, क्या है क्या नहीं, एंड कमेंट्स भी थे दो तीन, तो बस उन्हीं के बेसिस पे आज ये हम वीडियो बना रहे हैं। सो बेसिकली आप आगरा जो है वो तीन वेज में आप पहुंच सकते हो, जिसमें से फर्स्ट जो है बाय ट्रेन है, सेकंड है बाय फ्लाइट एंड थर्ड इज़ बाय रोड, या फिर आप अपने पर्सनल व्हीकल या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके आप जा सकते हो। ट्रेन जो है वो काफ़ी कन्वीनियंट है, ऑल ओवर इंडिया से आपको कहीं से भी दिल्ली वाली जो भी ट्रेन होगी आप लेकर आ सकते हो टुवर्ड्स आगरा, या फिर आप जो आगरा होकर नहीं जाती है बाई चांस तो आप दिल्ली जा सकते हो, दिल्ली टू आगरा आप कर सकते हो, दैट टू बाय रोड एंड इवन बाय ट्रेन। सो अगर आप आगरा आ रहे हो देन आप रेड फोर्ट पे जो रेलवे स्टेशन है आप वहाँ उतरिए, तो आप रेड फोर्ट आपको ठीक जैसे आप जो आगरा फोर्ट जो रेलवे स्टेशन है उसको एक्सेट करते ही आपको रेड फोर्ट देखने के लिए मिल जाता है और आप वहाँ पर विजिट कर सकते हो। बट आई विल सजेस्ट कि आप ऐसे टाइम पर आइए कि मॉर्निंग के टाइम आप पहुँचिए, और मॉर्निंग में आप सबसे पहले जाइए ताजमहल, ओके, एंड फिर आप जाइए रेड फोर्ट की तरफ में, बिकॉज मॉर्निंग में जो व्यू है और जो क्राउड है वो काफ़ी कम होता है एट ताजमहल, बिकॉज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है ताजमहल, आपको पता ही है। तो उसी लिए आप सबसे पहला जो विज़िट है आप वो लोग करिए ताजमहल की तरफ, सेकंड विज़िट जो आप करेंगे वो करेंगे रेड फोर्ट की तरफ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि ताजमहल में अगर आप जा रहे हो तो उसकी जो टिकट प्राइसिंग है वो ऑनलाइन जो टिकट प्राइसिंग है दैट इज़ 45 रुपीज़, ओके। अगर आप ऑफलाइन लेते हैं इवन वो आप काउंटर से जो लेने वाले ऑफलाइन तो वो आपको पड़ेगी 50 रुपीज़ की, प्लस आपको वेट करना पड़ेगा, हाँ वेट करना पड़ेगा बिकॉज वो जो काउंटर्स हैं लेट खुलते हैं इसलिए। बट अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं देन इट्स ओके, आप कभी भी ले सकते हो, 24 आवर्स ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है। ओके, अगर आप अपने व्हीकल से जा रहे हो देन पेड पार्किंग इज़ ऑल्सो अवेलेबल एट ताजमहल और रेड फोर्ट या फिर कहीं पर भी। ताजमहल पे जो पेड पार्किंग का जो चार्जेस हैं वो टू व्हीलर के हैं तकरीबन 20 रुपीज़ एंड जो फोर व्हीलर के हैं वो हैं 100 रुपीज़। सो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जैसा भी हो आप जा सकते हो, ऑल दो वहाँ पर शेयरिंग टैक्सीज या फिर ऑटोज़ या फिर ई रिक्शाज आपको अवेलेबल मिलते ही हैं, सो आप वो भी ले सकते हो। फैमिली के साथ अगर आप जा रहे हो तो ज़्यादा बेटर है, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ, मतलब एक छोटा गैदरिंग मतलब ग्रुप हो आपका, तो आपको घूमने में बहुत मज़ा आने वाला है आगरा के अंदर एज़ यूजुअल। और हाँ, उसके बाद में आपको बस ऑनलाइन टिकट लेनी है, उसको प्रिंट आउट वगैरह निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपके फ़ोन में ही QR कोड आ जाता है, टिकट जो होता है डाउनलोड कर लीजिए आप, उसी को आपको वहाँ पर स्कैन कर लेंगे वो लोग और आपको एंट्री मिल जाएगी। बस आप उतना ही है और बस इतना ही है और एंजॉय करिए अंदर जाकर आप। एक और चीज़ मैंने जो बताया अभी के 45 रुपीज़ का, तो ये जो है ये सिर्फ ताजमहल कॉम्प्लेक्स का है जो आउटर एरिया में ही आपको विज़िट करेंगे। अगर आपको जो ग्रेव जो है जहाँ पर मेन मुमताज़ और शाहजहाँ की जो ग्रेव है अंदर, अगर आपको वहाँ जाना है देन आपको 200 रुपीज़ प्लस पे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो इन शॉर्ट आपका टोटल जो हो जाएगा 250 पर पर्सन हो जाएगा। सो बस उतना ही है। और अगर आप 15 ईयर से कोई भी छोटा व्यक्ति आपके साथ में बच्चा है तो उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, दैट इज़ वेरी गुड। बाई रोड अगर आप आ रहे हो तो गूगल मैप्स का आप ट्रस्ट कर सकते हो, वो काफ़ी सही रास्ता बता देगा, बस आपको ये है कि एक बार आप किसी गली में अगर घुस रहे हो तो एक बार चेक ज़रूर कर लीजिए उसको एक्सपांड करके कि भाई ये कहाँ लेकर जा रहा है।
हमारे साथ एक बार ऐसा हुआ था तो बस उतना ही है। तो आप पहले चेक कर लीजिए किसी भी गली वगैरह में अगर लेकर जा रहे हो, चेक कर लो भाई कि सही ले जा रहा है या नहीं, या फिर कोई और रास्ता है तो वहाँ से आप जा सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग आगरा फोर्ट की। तो आगरा फोर्ट की जो टिकट है वो है लगभग 35 रुपीज़ की है ऑनलाइन, एंड ऑफलाइन जो है वो 40 रुपीज़ की है। सो बस उतना ही डिफरेंस है, 5 रुपीज़ का डिफरेंस आता हैगा ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच में। लेकिन आपको काउंटर जो है वो लेट खुलते हैं, और अगर आप अर्ली मॉर्निंग कहीं पर भी विज़िट कर रहे हो तो आपको ऑनलाइन टिकट ही लेनी पड़ेगी। वो एक बेटर ऑप्शन भी है, सेव पेपर यार, ठीक है, एक वो बेटर ऑप्शन है। बाकी ताजमहल के अंदर आपको कोई भी ताजमहल हो या फिर रेड फोर्ट हो, कहीं भी आपको फूड आइटम्स ले जाने की परमिशंस नहीं है, ओके। आप ताजमहल में इवन चॉकलेट्स हो, अगर आपके साथ में कोई आपका छोटा बेबी है देन आप कैरी कर सकते हो, उसका बेबी फूड वगैरह कैरी कर सकते हो। बट अगर आपके साथ कोई भी खाना है या फिर कोई भी टबैको वगैरह है, नॉन मतलब जो भी एडेबल थिंग्स जितनी भी हैं वो सारी की सारी आपको बाहर ही काउंटर पे जमा करानी पड़ेगी। दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। एंड बस लौट के जब आप आएंगे तो वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। एंड पानी वगैरह आप कैरी कर सकते हैं अंदर, चाहे फिर वो ताजमहल में हो या फिर रेड फोर्ट के अंदर हो। रेड फोर्ट की बात करें तो वो काफ़ी बड़ा है, और जितना हो सके आप जल्दी उसको कवर करिए। और गाइड वगैरह वहाँ पे थोड़े लिमिटेड हैं, लेकिन हाँ मिल जाते हैं आपको अप्रॉक्स 300 के आसपास, 200-300 के आसपास मिल जाते हैं। अगर पीक सीज़न हो तो माइट बी वेरे, बट जिस टाइम हम लोग गए थे इतना कुछ ज़्यादा रश वगैरह नहीं था, तो इतना ही रेट चलता है। बाकी तो सब बढ़िया। बाकी पार्किंग की फैसिलिटीज़ आगरा फोर्ट के सामने भी है, जो कि 100 रुपीज़ ही है, ओके। तो वहाँ पर भी 100 ही है, आप वहाँ पर भी अपने व्हीकल को पार्क कर सकते हो, ठीक सामने ही है एकदम, मतलब हार्डली 200 to 200 meters के डिस्टेंस पर ही है। पार्क करो, रोड क्रॉस करो, सीधा आगरा फोर्ट के अंदर एंटर हो जाओ। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि अगर आप दोनों चीज़ें, मतलब जैसे ताजमहल और फोर्ट जो है, आप अगर एक वन डे में अगर करना चाहते हो तो आप अच्छे शूज़ पहन के जाइए, बिकॉज काफ़ी चलना पड़ता है। और अगर आप स्लीपर्स वगैरह में चलते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होती है, इरिटेट हो जाते हो आप, भाई क्या यार स्लीपर्स में, और मज़ा भी नहीं आता फिर उतना। आप शूज़ पहन के जाइए अच्छे, या फिर आप स्लीपर्स तो मत ही पहन के जाइए, सैंडल्स वगैरह पहन जाएगा तो भी कोई मतलब इशू नहीं है। बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप अच्छे शूज़ पहन के जाइए, हाइकिंग शूज़, नॉर्मल शूज़ भी हो तो भी चलेगा, फॉर्मल्स मत पहन के जाना। पहले बता दे रहा हूँ, फॉर्मल्स बिल्कुल ही मत पहनना। फॉर्मल्स वहाँ लोग पहन के आते हैं, बंद पछताते हैं, ठीक है। एंड स्पेशली फॉर फीमेल्स, आप हील्स वगैरह अवॉइड करिए, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराने दें इट्स ओके, बट चलना पड़ता है, ओके, काफ़ी चलना पड़ता है। ताजमहल में आप जाइए अच्छे से, लेकिन फोर्ट के अंदर आप शूज़ पहन के जाइए, सैंडल्स पहन के जाइए, दैट इज़ मोर सूटेबल मेरे साइड से। बाकी आपकी जो भी कन्वीनियंट हो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। एंड लास्टली, अगर आपके पास टाइम बचने ही वाला है, आप फिर जा सकते हो या तो फिर फतेहपुर सीकरी, जो आगरा से लगभग कुछ 40 किलोमीटर्स के आसपास ही है, ठीक है, आगरा फोर्ट से 45 किलोमीटर्स के आसपास है। अदरवाइज आप जा सकते हो सिकंदरा, जहाँ पर है अकबर का टोम, अकबर की समाधि। तो वैसे वो काफ़ी मतलब खुला एरिया ही है, एंड अब अगर वहाँ जाते हो तो आपको वहाँ पर काफ़ी सारे बर्ड्स देखने के लिए मिल जाएंगे, डियर्स, ब्लैक, मतलब आपको अगर आप अकबर टोम जाते हो तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारे बर्ड्स देखने के लिए मिल जाएंगे, डियर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, ब्लैक बग भी देखने के लिए मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो, आप इन्जॉय कर सकते हो। स्पेशली आपके बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा, अगर आप ग्रुप में हो तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला, इन्जॉय करोगे आप लोग। उसकी जो टिकट प्राइसिंग है वो है बस 10 रुपये। पार्किंग फीस जो है वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बिकॉज हमने फ्री पार्किंग में पार्क कर दिया था, बिकॉज हमारा जो स्टे था वो काफ़ी नियर बाई था इसीलिए। सो 10 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट है वहाँ पे, एंड वहाँ पे शायद 15 ईयर्स वाली जो स्कीम है वो लागू नहीं होती है, आपको लेना ही पड़ता है, तो दैट इज़ मैनेजेबल है। 10 रुपये तो ठीक है, उसके हिसाब से मेंटेनेंस भी तो उन्हें करना है यार, और वहाँ पर इतने लोग ज़्यादा विजिट भी नहीं करते, लेकिन इवनिंग में वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश रहता है। मैंने लोकल से पूछा है तो इवनिंग में काफ़ी ज़्यादा रश रहता है,
एंड वहाँ के जो लोकल जो लोग हैं अगल बगल के, वो मॉर्निंग वॉक करने भी जाते हैं भाई। 10 रुपये कॉस्ट करता है नो डाउट, बट वो काफ़ी अच्छी जगह है, पीसफुल जगह है, ग्रीनरी काफ़ी है, मज़ा आ जाता है घूमने वालों को, घूमते हैं आराम से और आ जाते हैं। सो अब बात कर लेते हैं हम लोग वहाँ पर, अगर आप स्टे कर रहे हो किसी होटल वगैरह में, तो अप्रॉक्स आपका 2000 से लेकर 2500 तक आपको रूम मिल जाएगा, ठीक है। एंड जो फूड एक्सपेंस रहता है वो अप्रॉक्स 400 पर पर्सन का रहेगा, 3 टाइम्स का, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। दैट इज़ आपके ऊपर है सब कुछ कि आप कौन सी जगह पर प्रेफर कर रहे हो खाना और क्या खा रहे हो, बाकी सब आपके ऊपर है। मैं जो भी एक नॉर्मल जो होता है मैं वही बता रहा हूँ। ऑल्दो जो हमारा जो स्टे है वो हमारी फैमिली ही रहती है, वहीं पर था हमारा घर है, तो इसीलिए, बट होटल का प्राइसिंग जो है वो इतने के आसपास ही अच्छा मिल जाता है अगर आप सर्च करोगे। इवन दो अगर आप बेटर ऑप्शन जाना चाहोगे तो कोई लिमिट नहीं है, मेरिडियन या फिर ताज वगैरह में आप जाओ तो 5000-6000 पर नाइट मिल जाएगा, वो और भी ज़्यादा अच्छा है। इवन वहाँ से ताजमहल के व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आ जाते हैं। ओके, सो अब बात कर लेते हैं बाई एयर ट्रांसपोर्ट की। तो जो फ़्लाइट्स वगैरह हैं आगरा के लिए वो थोड़ी सी लिमिटेड है, बट नियरस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट दिल्ली। सो अगर यहाँ तक आपने इस वीडियो को देख लिया, लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कैसा लगा कैसा नहीं। और अगर आपको कुछ और भी अगर जानना हो देन प्लीज़ आप बता सकते हो कमेंट के अंदर, अगर कुछ क्वेश्चन पुट अप करने हो आपको तो बता दीजिए, हम उसका आंसर दे देंगे। बाकी ये है इंस्टाग्राम की लिंक, आप इसे फॉलो कर लीजिए और यहाँ पर आप मैसेज करोगे तब भी हम आपको आंसर दे देंगे। सो जी, आप लोगों ने स्टूडियो में देख लिया, उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया, पसंद आया तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल का सपोर्ट और हमारे मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यार, एक ही बार दबाना दबा दो यार, एक माइलस्टोन हिट करवा दो यार बस, और क्या है। सो इस वीडियो में देखने के लिए थैंक यू सो मच, और हाँ सब्सक्राइब करके जाना प्लीज़।